नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं बिरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जंक्शन तक चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 1 जनवरी 1977 में हुआ था। यह ट्रेन पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 18238। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है बिलासपुर से अमृतसर, जिसका नंबर है 18237। इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन अमृतसर से बिलासपुर तक तकरीबन 2012 किलोमीटर अंतर 42 घंटे और 45 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 47 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन अमृतसर से सप्ताह में 7 दिन बिलासपुर के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को अमृतसर से बिलासपुर तक ले जाने के लिए 2 लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है, जिनमें अमृतसर से नागपुर तक अजनी लोको शेड का WF7 लोकोमोटिव लगता है और नागपुर से बिलासपुर तक भिलाई लोको शेड का WF7 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 21 कोच लगते हैं, जिनमें फर्स्ट AC का 1, सेकेंड AC के 2, थर्ड AC के 5, स्लीपर के 7, पेंट्री कार 1, जनरल के 2, EOG का 1 और SLR का 1 कोच शामिल रहता है। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें अमृतसर से बिलासपुर तक का स्लीपर का किराया रहता है ₹720, जिनमें बेस किराया और रिजर्वेशन चार्ज शामिल है। AC थर्ड टायर का किराया रहता है ₹1930, AC सेकेंड टायर का किराया रहता है ₹2845 और AC फर्स्ट क्लास का किराया रहता है ₹4915, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और GST शामिल है। इस ट्रेन में बच्चे और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक इंफॉर्मेशन, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 8 राज्यों को जोड़ती है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 75 स्टेशनों पर रुकती है और 298 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से शाम को 4:10 के प्लेटफॉर्म नंबर 5 या फिर 6 से शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है झंडियाला स्टेशन। झंडियाला स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:24 के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 4:26 पर रवाना हो जाती है ब्यास जंक्शन के लिए। ब्यास जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:43 के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 4:45 पर रवाना हो जाती है जलंधर सिटी जंक्शन के लिए। जलंधर सिटी जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:23 के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 7 मिनट के हॉल्ट के बाद 5:30 पर रवाना हो जाती है जलंधर कैंटनमेंट जंक्शन के लिए। जलंधर छावनी जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:39 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 5:41 पर रवाना हो जाती है फगवाड़ा जंक्शन के लिए। फगवाड़ा जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 5:55 पर रवाना हो जाती है फिलौर जंक्शन के लिए। फिलौर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 6:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 6:15 पर रवाना हो जाती है लुधियाना जंक्शन के लिए। लुधियाना जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 8 मिनट के हॉल्ट के बाद 7:13 पर रवाना हो जाती है सानेवाल स्टेशन के लिए।
सानेवाल स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 7:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:39 पर रवाना हो जाती है डोराहा स्टेशन के लिए। डोराहा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:09 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:11 पर रवाना हो जाती है चावापायल स्टेशन के लिए। चावापायल स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:21 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:23 पर रवाना हो जाती है खन्ना स्टेशन के लिए। खन्ना स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:35 पर रवाना हो जाती है मंडी गोविंदगढ़ स्टेशन के लिए। मंडी गोविंदगंज स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:44 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:46 पर रवाना हो जाती है सरहिंद जंक्शन के लिए। सरहिंद जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 8:58 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद रात को 9:00 रवाना हो जाती है राजपुरा जंक्शन के लिए। राजपुरा जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 9:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:22 पर रवाना हो जाती है अम्बाला सिटी के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजपुरा जंक्शन जो है पंजाब राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है हरियाणा राज्य में ट्रैवल करेगी। हरियाणा राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:12 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:14 पर रवाना हो जाती है अम्बाला कैंटनमेंट जंक्शन के लिए। अम्बाला छावनी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 10:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 10:45 पर रवाना हो जाती है बराड़ा स्टेशन के लिए। बराड़ा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 11:07 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:09 पर रवाना हो जाती है जगाधरी वर्कशॉप के लिए। जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 11:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:27 पर रवाना हो जाती है यमुनानगर जगाधरी स्टेशन के लिए। यमुनानगर जगाधरी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 11:34 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:36 पर रवाना हो जाती है सहारनपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर जगाधरी स्टेशन जो है हरियाणा राज्य में फिलहाल के लिए आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है सहारनपुर जंक्शन। सहारनपुर जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 12:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 12:40 पर रवाना हो जाती है देवबंद स्टेशन के लिए। देवबंद स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:10 पर रवाना हो जाती है मुजफ्फरनगर स्टेशन के लिए। मुजफ्फरनगर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:28 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:30 पर रवाना हो जाती है खतौली स्टेशन के लिए। खतौली स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 1:46 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:48 पर रवाना हो जाती है धौराला स्टेशन के लिए। धौराला स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 2:01 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:03 पर रवाना हो जाती है मेरठ कैंटनमेंट स्टेशन के लिए। मेरठ छावनी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 2:14 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:16 पर रवाना हो जाती है मेरठ सिटी जंक्शन के लिए। मेरठ सिटी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 2:27 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 2:32 पर रवाना हो जाती है मोदीनगर स्टेशन के लिए। मोदीनगर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 2:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:47 पर रवाना हो जाती है गुलदर स्टेशन के लिए। गुलदर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 3:00 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:02 पर रवाना हो जाती है गाजियाबाद जंक्शन के लिए। गाजियाबाद जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर 4 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:25 पर रवाना हो जाती है साहिबाबाद जंक्शन के लिए। साहिबाबाद जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:39 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:41 पर रवाना हो जाती है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहिबाबाद जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में फिलहाल के लिए आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है दिल्ली राज्य में ट्रैवल करेगी। दिल्ली राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है।
15 मिनट के हॉल्ट के बाद 4:25 पर रवाना हो जाती है बल्लभगढ़ स्टेशन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो है दिल्ली राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है फिर से हरियाणा राज्य में ट्रैवल करेगी। हरियाणा राज्य में इस ट्रेन का 33वां स्टॉपेज रहता है बल्लभगढ़ स्टेशन। बल्लभगढ़ स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:51 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:53 पर रवाना हो जाती है पलवल स्टेशन के लिए। पलवल स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 5:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:20 पर रवाना हो जाती है कौशिकला स्टेशन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पलवल स्टेशन जो है हरियाणा राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है फिर से उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का 35वां स्टॉपेज रहता है कौशिकला स्टेशन। कौशिकला स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:10 पर रवाना हो जाती है छाता स्टेशन के लिए। छाता स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:21 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 6:22 पर रवाना हो जाती है मथुरा जंक्शन के लिए। मथुरा जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 7:30 पर रवाना हो जाती है राजा की मंडी स्टेशन के लिए। राजा की मंडी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:10 पर रवाना हो जाती है आगरा कैंटनमेंट के लिए। आगरा कैंटनमेंट स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 8:30 पर रवाना हो जाती है धौलपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगरा कैंटनमेंट स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में फिलहाल के लिए आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है राजस्थान राज्य में ट्रैवल करेगी। राजस्थान राज्य में इस ट्रेन का एक ही स्टॉपेज रहता है, वो है धौलपुर जंक्शन। धौलपुर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 9:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर 3 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:35 पर रवाना हो जाती है मुरैना स्टेशन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धौलपुर जंक्शन जो है राजस्थान राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है मुरैना स्टेशन। मुरैना स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:11 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:13 पर रवाना हो जाती है ग्वालियर जंक्शन के लिए। ग्वालियर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:47 पर रवाना हो जाती है डाबरा स्टेशन के लिए। डाबरा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:36 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:38 पर रवाना हो जाती है दतिया स्टेशन के लिए। दतिया स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:09 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:11 पर रवाना हो जाती है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दतिया स्टेशन जो है मध्य प्रदेश राज्य में फिलहाल के लिए आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का 43वां स्टॉपेज रहता है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद दोपहर को 1 बजे रवाना हो जाती है तालबेहट स्टेशन के लिए। तालबेहट स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:57 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:59 पर रवाना हो जाती है ललितपुर जंक्शन के लिए। ललितपुर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:27 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:29 पर रवाना हो जाती है बीना जंक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ललितपुर जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का 48वां स्टॉपेज रहता है बीना जंक्शन। बीना जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 3:45 पर रवाना हो जाती है मंडी बामोरा स्टेशन के लिए। मंडी बामोरा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:12 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:14 पर रवाना हो जाती है गंज बासुदा स्टेशन के लिए। गंज बासुदा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:47 पर रवाना हो जाती है विदिशा स्टेशन के लिए। विदिशा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:04 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:06 पर रवाना हो जाती है भोपाल जंक्शन के लिए।
भोपाल जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 6:05 पर रवाना हो जाती है रानी कमलापति स्टेशन के लिए। रानी कमलापति स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 6:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:19 पर रवाना हो जाती है नर्मदापुरम स्टेशन के लिए। नर्मदापुरम स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 7:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:20 पर रवाना हो जाती है इटारसी जंक्शन के लिए। इटारसी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 8:30 पर रवाना हो जाती है घोड़ा डोंगरी स्टेशन के लिए। घोड़ा डोंगरी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:27 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 9:28 पर रवाना हो जाती है बैतूल स्टेशन के लिए। बैतूल स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:02 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:04 पर रवाना हो जाती है आमला जंक्शन के लिए। आमला जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 10:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:27 पर रवाना हो जाती है मुलताई स्टेशन के लिए। मुलताई स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:43 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:44 पर रवाना हो जाती है नागपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलताई स्टेशन जो है मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है महाराष्ट्र राज्य में ट्रैवल करेगी। महाराष्ट्र राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉप भी रहता है नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 2:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 15 मिनट के होल्ड के बाद 2:25 पर रवाना हो जाती है कामठी स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर जंक्शन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होता है, यानी कि अपनी यह जो ट्रेन है रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। कामठी स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 3 बजे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:02 पर रवाना हो जाती है भंडारा रोड स्टेशन के लिए। भंडारा रोड स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 3:34 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:36 पर रवाना हो जाती है तुमसर रोड जंक्शन के लिए। तुमसर रोड जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:50 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:52 पर रवाना हो जाती है तिरोड़ा स्टेशन के लिए। तिरोड़ा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:08 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:10 पर रवाना हो जाती है गोंदिया जंक्शन के लिए। गोंदिया जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 5:05 पर रवाना हो जाती है आमगांव स्टेशन के लिए। आमगांव स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 5:21 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:23 पर रवाना हो जाती है सालेकसा स्टेशन के लिए। सालेकसा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 5:35 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:37 पर रवाना हो जाती है डोंगरगढ़ स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सालेकसा स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रैवल करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है डोंगरगढ़ स्टेशन। डोंगरगढ़ स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:10 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 6:15 पर रवाना हो जाती है राजनंदगांव स्टेशन के लिए। राजनंदगांव स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:39 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 6:44 पर रवाना हो जाती है दुर्ग जंक्शन के लिए। दुर्ग जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 7:35 पर रवाना हो जाती है भिलाई पावर हाउस स्टेशन के लिए। भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 7:51 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:53 पर रवाना हो जाती है रायपुर जंक्शन के लिए। रायपुर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 8:35 पर रवाना हो जाती है जल्दा नेवरा स्टेशन के लिए। जल्दा नेवरा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:10 पर रवाना हो जाती है भाटापारा स्टेशन के लिए। भाटापारा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:32 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है बिलासपुर जंक्शन। बिलासपुर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। अपनी यह जो ट्रेन है अमृतसर से बिलासपुर तक तकरीबन 2012 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा अवेलेबल रहती है और ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की भी सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों,
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।